देवरिया जिला अस्पताल में एक नवजात की मौत हो गई। इस पूरे मामले में परिजनों ने SNCU प्रभारी चिकित्सक पर आरोप लगाया। जिला अस्पताल की व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि पहले भी यहां पर कई बच्चों की मौतें हो चुकी है। परिजनों के सवाल खड़ा करने के बाद अब कहीं जाकर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। उमरिया जिले के मानपुर जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम बिजोरी के रहने वाले उत्तम कुमार तिवारी के घर बड़ी मन्नतों के बाद 17 साल बाद जिला अस्पताल में 29 जून को एक बच्चे का जन्म हुआ था और 2 जुलाई को अस्पताल की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। मृत नवजात के पिता उत्तम कुमार तिवारी का आरोप है कि 29 जून को सीजर ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा स्वस्थ भी था। 2 दिन बच्चा ठीक रहा। 1 तारीख को गुप्ता ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। डॉक्टर गुप्ता के लिखे टेस्ट किए गए, लगभग 5-6 टेस्ट किए गए। उनकी रिपोर्ट देखकर भी कहा कि सब कुछ ठीक है, 2 दिन भर्ती रहने दीजिए। अचानक एक सुबह नर्स बोली कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और बच्चा नहीं रहा। यह सब डॉक्टर्स की लापरवाही से हुआ है। उत्तम ने कलेक्टर से मामले की शिकायत की और बताया कि यहाँ प्रसव कक्ष तो है लेकिन यहाँ पीने का पानी तक नहीं रहता। महिलाएं पानी पीने के लिए भटकती रहती है। मृत बच्चे के मामा ओम प्रकाश शुक्ला ने भी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि अस्पताल की लापरवाही से ही मेरे भांजे की मौत हो गई है, इसकी जाँच आवश्यक है। समस्या यह है सर कि हमारा भांजा हुआ था, उसकी आज डेथ हो गई अकस्मात और ये लापरवाही हॉस्पिटल की है। कोई अभी हमें निश्चित तौर पे नहीं बताया गया है कि हुआ क्या था, तो इसकी जांच हो आपके मीडिया के माध्यम से और ये उसका सबूत पेश करें कि क्या हुआ था एक्चुअली में। 29 तारीख को ऑपरेशन सीजर से बच्चा पैदा हुआ था। बोले बालक आपका पूरा स्वस्थ है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। 2 दिन बालक मेरा ठीक रहा। 1 तारीख को थोड़ा रो रहा था तो डॉक्टर साहब के पास लेके आया, तो उस समय गुप्ता सर तो नहीं थे, नर्स और थे, फिर गुप्ता साहब आए तो बोले ठीक है थोड़ा मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तो वो जाँच करवा लाओ। 5-6 जाँच लिखे, उस जाँच को करवा के मैं लेके आया। बोले ठीक है, नॉर्मल है, कोई नहीं ऐसे कुछ, आप जो है इसको भर्ती अभी 2 दिन कर दीजिए, इसके बाद फिर हम देखते हैं। फिर मैं जा कर के रात में कई बार आया, नर्सों से पूछा, वो यही बताती गई कि आपका जो है बालक सुधार है, कोई समस्या नहीं है। मैं सुबह उठ कर के आज 6:30 बजे तुरंत आया यहाँ, पूछा, बोले हाँ ठीक है आपके बालक में सुधार हो गया है, कोई समस्या नहीं है। और ये इस प्रकार डॉक्टर साहब रात में आए नहीं आए ये CCTV कैमरा में पता चल जाएगा, दिखवाया जाए, इस पर उनकी लापरवाही ही सर रही है। और इसकी जानकारी आपने अभी चिकित्सक को दी है? मैं चिकित्सक को किया, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, कलेक्टर साहब स्वयं आए हुए थे यहाँ और बोल देखे ओके और जो भी अब कार्रवाई कलेक्टर साहब करवाए होंगे स्वयं वो जाने। और मेरा निवेदन है कि जिस जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई किया जाए, लापरवाही किए जाके आगे और बच्चों के साथ न किया जाए। लापरवाही तो बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पानी का प्रसव कक्ष पर पानी तक नहीं रहता है, यहाँ महिलाएं हैं सब घूमते रहते हैं। अभी मेरी श्रीमती जी भर्ती है। इस मामले में NSUI प्रभारी डॉक्टर शशिकांत निपाने ने सफाई देते हुए कहा कि कल तक बच्चा स्वस्थ था, आज अचानक उसकी सांस उखड़ने लगी, हमने एंटीबायोटिक दिया है, IV फ्लूड दिया, हर संभव प्रयास किया लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका, हो सकता है उसके दिल में छेद हो या मस्तिष्क की कोई नस दब गई हो। बच्चा बालक जो है कल 4:30 बजे लगभग 4:50 से भर्ती हुआ है। उसके भर्ती होने की मुख्य समस्या ये थी कि वो स्तनपान करने में असमर्थ था तथा थोड़ा सा सुस्त लग रहा था, तो उसका इलाज चल रहा था, उसको IV एंटीबायोटिक दे रहे थे, IV फ्लूड दे रहे थे और कल तक बच्चा ठीक था। सुबह अचानक जो है उसको सांस रोकना चालू किया और हमने हर संभव प्रयास किया लेकिन उसके बाद भी उसको बचाया जा नहीं सका। परीक्षण करने पर यही लगता कि उसके दिल के में कुछ छेद हो सकता है या तो कोई दिमाग की नस से खून का स्त्राव हुआ होगा जिस कारण बच्चे की मृत्यु होना संभावित है। इस मामले में शिकायत मिलते ही तत्काल जिले के कलेक्टर अस्पताल पहुंचे और मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच दल गठित किया गया। जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और 3 दिन में उन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस जांच दल में डॉक्टर विनोद गुप्ता, डॉक्टर CP शाक्या और डिप्टी कलेक्टर नेहा सोनी को नियुक्त किया गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी वैसे ही इस पर कार्यवाही की जाएगी। जिला अस्पताल में एक नवजात की मृत्यु हो गई है, मैं तत्काल जिला अस्पताल पहुंचा। जिला अस्पताल पर घटनास्थल पर मैंने परिजनों से बातचीत की
उसके पश्चात डॉक्टर गुप्ता से बातचीत की और घटना में मुझे लगा कि शायद जांच की आवश्यकता है, कुछ तथ्य जांच के पश्चात सामने आ सकते हैं, इसलिए मैंने एक जांच समिति गठित की है। हमारे जिले में नई पदस्थ डिप्टी कलेक्टर सुश्री नेहा सोनी और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर शाक्या इस टीम के सदस्य हैं। इससे मैंने 3 दिन में जांच कर यदि लापरवाही पाई जाती है तो लापरवाही एवं मृत्यु के कारण के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल और NSCU प्रभारी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी कई नवजात की मौत हो चुकी है और हर बार मामले पर लीपापोती कर मामले को चलता कर दिया जाता है। आज भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया जिससे कुछ पता चल सकता था। वहीं जिले के CMHO को बजट के अलावा जिले में कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे में CMHO सहित इनकी उच्च स्तरीय जाँच की त्वरित आवश्यकता है ताकि लापरवाही से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाया जा सके। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।